तो वेलकम बैक। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई में जो पिक्चर हमारे पास गिवन है, हमने इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं इससे पहले दो पार्ट करवा चुका हूँ और ये सब पार्ट बिल्कुल सिमिलर ही हैं, बस इनमें पिक्चर्स के अंदर जो इसकी फिगर्स हैं बेसिकली वो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथडोलॉजी इन्वॉल्व है वो बिल्कुल सेम है। तो आइए हम देखते हैं पार्ट नंबर ई जो कि क्यूबॉइड है दोबारा से, इसका हम किस तरीके से वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमने दोबारा से इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी आपके पास क्यूबॉइड्स आएंगे इन सब में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इसको क्यूबॉइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी सब डायमेंशंस डिफरेंट है, ये इसकी डायमेंशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर ये तीनों डायमेंशन सेम होती तो मैं इसको कहता ये बेसिकली एक क्यूब है। तो क्यूबॉइड के केस में डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट। तो ये बहुत आसान है, जो भी आपको तीन पैरामीटर्स गिवन हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, या जो भी तीन पैरामीटर्स यहाँ पे आपके लिए गिवन होंगे, उसमें वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बस उन तीनों को करवा देना है मल्टीप्लाई, तो वो उसका कहलाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकलेगा आपके पास, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा 1/2/5 मल्टीप्लाई बाय, इसकी ब्रेड्थ कह लें 3/8 मल्टीप्लाई बाय, और वो 5/8। ये सब के सब मल्टीप्लाई होने के बाद सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले अगर, तो 5 वन टाइम्स 5 होता है और उसमें आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, तो 5+2 बन जाएगा 7/5 इंटू 3/8 इंटू 5/8, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 21/64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था बेसिकली इसका वॉल्यूम। अब चलते हैं इसके सरफेस एरिया की तरफ। तो सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेते हैं कि अब हम क्या निकालने लगे हैं। अब हम निकालने लगे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये जो शेप है, आप इसको ज़रा इमेजिन करें क्योंकि 3D शेप है, तो आपको एक बिल्कुल ऐसा सोचना है, एक बॉक्स सोचना है। तो एक बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं, जैसे एक फेस ये होगा, दूसरा ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तीसरा ये ऊपर वाला होगा, फोर्थ वन यहाँ करके आप कह लें कि एक इसकी इस साइड वाली भी तो शेप होगी ना, ये इसका चौथा फेस होगा, एक फेस इसका आप कह लें यहाँ पे करके बना लेते हैं इसको, एक फेस इसका ये होगा फिफ्थ फेस, और एक फेस इसका बिल्कुल ग्राउंड पे जिस पे हमने इसको रखा होगा एक फेस वो होगा। तो 6 फेस होंगे। तो बेसिकली इन 6 फेस का सबका अलग अलग हमने एरिया निकालना है और उनको कर देना है ऐड। तो जब हम उनको ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले करते हैं फेस नंबर 1 की बात, या आप जिस मर्ज़ी फेस से स्टार्ट कर लें उसके मीनिंग बिल्कुल आपके लिए जो है सेम ही होंगे। तो अगर हम इस फेस की बात करें फेस नंबर 2 की, तो लेट्स से ये इसकी लेंथ गिवन है 1/2/5 और ये इसकी ब्रेड्थ गिवन है 3/8। तो एरिया आपको निकालने का मेथड पता है, वो आएगा लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 1/2/5 ये इसकी लेंथ है क्रॉस ब्रेड्थ 3/8, ये मेरा हो गया इस फेस का एरिया, फेस नंबर 2 का एरिया। अब इसके सामने फेस नंबर 5 है और मैं बता चुका हूँ कि जो जिस फेस का एरिया आप निकालेंगे उसका सामने वाले फेस का एरिया आपको अलग से कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एंड पे बस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो उसका मीनिंग वही बन जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले फेस की। तो इस फेस में इतनी लेंथ हमें पता होनी चाहिए और ये वाली वर्टिकल लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो जो इतनी लेंथ है ये तो वही होगी जो यहाँ पे गिवन है, जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे, और जितनी यहाँ पे है उसी के लिहाज से उतनी यहाँ पे, क्योंकि क्यूबॉइड में जो ये फेस होते हैं ये बेसिकली रेक्टेंगल का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और रेक्टेंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड डायमेंशन के लिहाज से इसके इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पे इसके सामने 5/8 है ये वाली साइड, तो ये भी कितनी हुई 5/8, तो ये भी उसके सामने बनती है, तो 5/8 रेक्टेंगल के लिहाज से, तो इसका मतलब है ये वाली भी मेरे पास हुई 5/8। तो ये हो गई इसकी लेंथ, और ये वाली जो हाइट थी, ये वाली, या आप इसको ब्रेड्थ भी कह सकते हैं किसी केस के अंदर, वो आपको पता है ये उतनी होगी जितनी यहाँ पे है, और ये है 3/8, तो इस ये आपको चल के ये होगी 3/8।
तो इस फेस का एरिया निकालना बहुत आसान हो गया, लेंथ क्रॉस ब्रेथ यानी 5/8, मैं ऐड करूँगा इसमें 5/8 इंटू ये इसकी ब्रेथ 3/8। अब मैंने इस फेस का एरिया निकाल लिया है तो मुझे इस फेस का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके हासिल कर लूँगा। तो ये हो गए 2, एक और मेरे पास रह गया, वो मैं कंसिडर करूँगा ग्राउंड वाला, यानी जिस पे ये क्यूबॉइड को हमने रखा है, जो चीज़ इसकी ग्राउंड से टच कर रही है, यानी ये वाला बेसिकली शेप। तो देखें इस शेप में जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी लेंथ तो यही है, ये इसकी क्या है लेंथ, जिस पे ये रखा हुआ है या जिस जो ग्राउंड से टच कर रहा है पार्ट, उसकी लेंथ क्या हुई ये। तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/2/5, ये इसकी लेंथ हो गई। और ब्रेथ मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूँ तो भी बात सेम है, यहाँ से ये कंसिडर कर लूँ तो भी बात सेम है। तो ये मैंने अभी लिखी है ये कितनी थी 5/8, तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ तो भी 5/8 है, इस वाले को कंसिडर कर लूँ तो भी 5/8 है। तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ करने के लिए मुझे करना पड़ेगा लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो ये 1/2/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/8 से, और मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और बाहर लिख दूँगा 2। मैंने 2 इसलिए लिखा है कि अंदर सिर्फ 3 फेसेस का एरिया है, इनको 2-2 से मल्टीप्लाई करके ये 6 पूरे बनते हैं, यानी 2 फेस इसके, 2 फेस इसके और 2 फेस इसके, तो 6 पूरे हो जाते हैं, 2, 4 और 6। तो मैंने इन सबको प्लस करके 2 से एक बार ही मल्टीप्लाई करवा देना है तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा। तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको कंप्यूट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। तो इस सब को कंप्यूट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 3/43/160, क्योंकि मैंने एरिया निकाला है तो ये बेसिकली आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये मैंने निकाल लिया सरफेस एरिया, आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, आप इसको टाइप करके ये वाला आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया पार्ट नंबर ई। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में ट्राई करें, और कहीं पर भी आपको इश्यूज़ आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो बेसिक मेथड है इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सब में सेम है, वॉल्यूम आपको तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, और सरफेस एरिया के लिए आपको हर फेस का एरिया निकाल के उनको प्लस करना है, और तो वो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग प्रश्न नहीं कर रहे, हम सिर्फ तीन फेस को चूज़ करते हैं और उसको एट दी एंड 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो 6 फेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अगर आप इसको अलग-अलग भी करवाएं, यानी इस पार्ट को 2 बार अलग से लिखें, इसको 2 बार अलग से और इसको 2 बार अलग से, तो प्लस करें तो भी आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।